अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे आई एम शेयरिंग अनदर ड्रेस बाय सनन सफीनाज मजलन विंटर कलेक्शन। जस्ट लॉन्च हुआ है ये कोई वीक पहले, और ये भी मैं जो है किसी की रिक्वेस्ट पर शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होती है कि स्टिच शेयर करूँ, लेकिन उसमें काफ़ी खासा टाइम लग जाता है। अच्छा, कोड है इसका 7B और 3 पीस है ये। प्राइस है इसकी 7,990 रुपीज़, दैट मीन्स 8,000। लेट्स सी हाउ इट इज़। अच्छा जी, इसका एम्ब्रॉयडर्ड सेंटर पैनल है और ये एम्ब्रॉयडर्ड के साइड पैनल्स हैं। मैंने इसको सेट किया है ताकि जो है इसे आइडिया हो जाए कि किस तरह से वो होंगे। और इसमें जो है, अगर तो बड़ा साइज़ बनेगा तो बहुत अच्छा है, कुछ भी काम नहीं कटेगा। अगर कम साइज़ होगा तो फिर इसके साइड्स के ये बंचेस जो हैं वो कट जाएंगे। हालांकि पिक्चर में जो है वो अच्छा, मतलब जस्ट स्मॉल या मीडियम साइज़ ही पहना हुआ है, लेकिन उसमें तो चीज़ें कम्प्लीट आ रही हैं। वेल, लेंथ इसकी अच्छी खासी हो जाएगी। ये बॉर्डर्स दिए हुए, ये स्लीव्स और फ्रंट का दामन है। दामन जो है वो ए लाइन अच्छा खासा बन सकता है, लेकिन बैक का ये नहीं है क्योंकि यही वाला बॉर्डर जो है स्लीव से भी लगा हुआ है और यही वाला बॉर्डर फ्रंट के दामन पे बना हुआ है। फिर उसके बाद ये जो है ये जो समोसे टाइप के बने हुए, ये इसके साथ इंक्लूड नहीं है। बट इस ड्रेस में बनिस्बत अदर ड्रेस के बहुत ज़्यादा काम नहीं है, एप्लीक वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सो गले में इसके रिंग्स बने हुए 2 शेड्स के, वो डिपेंड करता है कि चाहिए क्लाइंट को या नहीं चाहिए। इसके बाद इसका प्लेन खद्दर का बैक है। कलर इसका काफ़ी अच्छा है, ये इट्स काइंड ऑफ लाइट बेज टोन। पिक्चर में थोड़ा सा ज़्यादा लाइट दिख रहा है, ये ऑफ वाइट दिख रहा है, बट इसमें जो है अच्छा, ये मोटिव्स हैं आई डोंट नो कहाँ के। ओके, स्लीव्स के मोटिव्स हैं, हाँ राइट। तो ये जो प्लेन फैब्रिक है ये है उसका बैक का और उसका स्लीव्स का। और ये जो है डिज़ाइन बना हुआ है इसके, इसके ऊपर कुछ रिंग्स से बने हुए 2 शेड्स के, ये भी जो है सिलाई का ही हिस्सा है। इसमें 2 मोटिव्स हैं इसके स्लीव्स के और 1 मोटिव है बैक का। ये कोई बहुत ज़्यादा चौड़े या बड़े मोटिव्स नहीं हैं। उसके बाद इसके ट्राउज़र का कपड़ा, अच्छा ट्राउज़र का कपड़ा जो है वो काफ़ी पतला है, विंटर के हिसाब से तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं, लेकिन वैसे भी लाइट कलर है, बहुत ज़्यादा सी थ्रू है, मुझे अपना हाथ तो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। तो आई थिंक इट नीड्स लाइनिंग क्योंकि विंटर के हिसाब से बिल्कुल भी आइडियल नहीं। जैसे ये खदर का फैब्रिक है तो ट्राउज़र उससे जो है ना अच्छा खासा पतला है। और उसके बाद है इसका ये शॉल टाइप का फैब्रिक का दुपट्टा। इस ड्रेस की जस्ट बेस्ट थिंग ये है कि ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, मतलब लाइट बेज के साथ ब्लू के शेड्स हैं और ये जो है दुपट्टे के ऑल साइड जस्ट ये सारा प्रिंट है। तो इस ड्रेस का जो है कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और शर्ट का फैब्रिक अच्छा है। अलबत्त ट्राउज़र का मुझे नहीं अच्छा लगा क्योंकि इस खदर के साथ खदर ही होना चाहिए था। ये जो है काफ़ी वो है, लाइक विंटर के हिसाब से आइडियल भी नहीं है और फिर सी थ्रू भी है। ओके, और दुपट्टे के एज पर जो है क्रोशिया लेस है जो कि इंक्लूड नहीं होती ड्रेस के साथ, स्पेशली सनन सफीनाज के साथ तो कभी भी नहीं होती। डाई करवानी पड़ेगी ये, और फिर इसके कॉर्नर पे कस्टमाइज टैसल्स बनेंगे। अच्छा, पैंट के ऊपर जो लेस है ये मोस्टली सनन सफीनाज ने इस तरह की लेस लगाई होती है जो कि कभी भी नहीं मिलती है। कितनी बार भी हमने स्टिच किया है तो ये लेस नहीं मिलती। तो इसका जो है अल्टरनेट, अगर ये टेलर कैन क्रिएट दैट, बट ज़ाहिर है कि उसके चार्जेस अच्छे खासे चार्ज करेगा वो। एंड देन एच पे पर्ल्स लगे हुए, तो इसको स्टिच होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तब तक तो ऑलमोस्ट विंटर सीजन भी जा चुका होगा। बट अगर आप लोग वीडियो देखना चाहें स्टिच की तो कमेंट्स में बता सकते हैं और इंशाल्लाह विल ट्राई टू शेयर स्टिच वीडियो। सो दैट्स इट, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।